मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाता मऊ एलआईयू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभालते ही प्रदेश में पासपोर्ट के लिए हो रही अवैध वसूली पर कड़ा विरोध जताते हुए तत्काल बंद करने के आदेश दिए थे, जिसका परिणाम भी मऊ जनपद को छोड़कर प्रदेश भर में करीब करीब देखने को मिल रहा है। जबकि मऊ एलआईयू निरीक्षक की मिलीभगत से खुलेआम एलआईयू की वसूली जारी है, जिसका विरोध सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता मुनव्वर अब्दुल गफूर द्वारा करना एलआईयू इंस्पेक्टर को इतना बुरा लगा कि उन्होंने मुनव्वर अब्दुल गफूर को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। यह वही मुनव्वर अब्दुल गफूर हैं जिन्हें इसके पूर्व के पुलिस अधिकारियों द्वारा इनकी सहयोगी कार्यशैली के लिए निरंतर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता रहा है। जबकि यह ताज़ा वीडियो विगत दिनों एलआईयू रविकांत पाठक का है, जो हज के पासपोर्ट आवेदक से खुलेआम पैसों की मांग कर रहा है और आपत्ति करने पर कहा कि यह पैसे इंस्पेक्टर के कहने पर ही लिए जाते हैं। संपूर्ण बातों को वीडियो में देखा और सुना जा सकता है। पीएलएल न्यूज़ समाचार सूत्र। आधार पे था वही न दिया जाएगा, तो आधार पे मकान नंबर दिया करें आप लोग को, मकान नंबर देना चाहिए, आगे से होना चाहिए, वैसे हम देखते हैं सेंट पकड़ लगे मैंने आपके पास हेलो हेलो अरे लाइन नहीं है, क्या सुबह बनता है सर, आज बैठा कर रहे तो चेक कर रहे हैं, सुबह चल रहा है बोला है आ तो सलेंडर क्यों नहीं जा कहीं खबर नहीं है क्या ले लेता है, बांटना पड़ता है सबको, बिना बांटे देते नहीं, जानते ही हैं, उसमें कोई वो है नहीं, हजार रुपया लग जाएगा, हजार रुपये तो इंस्पेक्टर ले लेता है, उसमें 150 हम लोग को बच जाता है, जो बच जाता है पैसा है कि 150 आप ही ले लीजिए, हम इंस्पेक्टर को दे देंगे, इंस्पेक्टर हमसे लेगा आपसे नहीं, नहीं हमसे ले लेगा, हमारे भी वो सब है ना, हमसे नहीं लेगा, आपसे नहीं लेगा, जो इनको दिया है ना पैसा हमें पूरा हिसाब बिना सब पर लिखा होगा, सब पे लिखा नंबर होता है, हज उम्रे वाला है, ये तो इबादत वाला है, पूजा पाठ वाला है, इसमें हम वो आप एम्प्लॉयमेंट वीजा तो है, सही बात कर रहा है, उसमें सौदे सुधा कम कर दीजिए, हमें तो समझ दीजिए कि ये
आपके लिए भी हम दुआ करने जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसमें तो इसमें पैसा लोग लेते ही नहीं। हम लखनऊ में थे जब पासपोर्ट बनवाए थे ना। दुआ करिए सर, इसी बात में ये कि 150 रुपये कम कर दीजिए, हम तो आपको पासपोर्ट आपके हाथ में हो जाए। देखिए पासपोर्ट हमारे 91 का बना हुआ था, हमको ज़रूरत ही नहीं थी कहीं जाने की। नहीं वो तो सब कैंसिल हो गया, पासपोर्ट तो है ही है मेरे पास। आप जो बन रहा है जीवन बन रहा है। अच्छा आप जो बन रहा है 10 साल से 10 साल तक रिन्यूअल होता है। वही चलता रहेगा। 15-20 दिन के अंदर आपके पास पास होता है। आज ही आपकी रिपोर्ट जो है आज ही चल जाए। आज ही रिपोर्ट आप लोग हैं भाई साहब, क्या है सब जानते ही हैं। घर आते लेकिन मैं भाई यार मैं हिंदू हूँ, लेकिन जितना भी लेता हूँ मैं मुस्लिम भाइयों का लेता हूँ, क्योंकि वो कोई तकझक नहीं करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते हैं, वो लोग बनवाते हैं। तो आप लोगों को तो रिपोर्ट लगाने का अधिकार नहीं है। अरे हमें तो जाँच करते हैं, हम तो आपके घर की तस्दीक कर रहे हैं, आपके घर के पते के विषय में। तो जनरली कितना लेते हैं पैसा? जैसे जनरल रखता है या हज पे जाने वालों का कितना है और जनरली वालों का कितना है? जनरली वालों का तो अलग अलग हिसाब है, उसमें कोई फॉल्ट है तो दिक्कत हो जाता है, थोड़ा बैठ के बनवाना पड़ता है उनका। वैसे है सामान्य है, हम ही को बनवाना है कितना लगेगा? 1250 रुपये लगता है। हज वालों को? हज वालों के लिए वही 100-200 रुपये कम कर देते हैं। और मतलब 1000 रुपया? हाँ 1000 रुपया। तो यहाँ तो बंद चल रहा है मामला, कोई पता ये चल रहा है कोई मुनव्वर नाम का है तो यहाँ पूरा लिखंत प्रबंध किया है, एलआईयू के खिलाफ जांच भी चल रही है। जांच तो चलती रहती है सर, जांच तो पूरा ऊपर से लेकर ही बताइए कौन नहीं जानता है। हम नहीं जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि डीजीपी नहीं जान रहा है, किसी एसपी नहीं जान रहा है, कौन नहीं जान रहा है, कौन नहीं ले रहा है बताइए। उसमें सब एक तरफ से सब पैसा ऊपर से नीचे तक ले रहे हैं। जहाँ पर थाने दिखते हैं एसपी को नहीं मालूम है कि दरोगा खुश नहीं लगा तो देगा कहाँ से? अच्छा, आप भी लाइव में क्या? नहीं हम साथी हैं आपके जो है। हमारा डॉक्टर ओमकार सिंह नाम है। आपका? रवि कांत। रवि कांत पाठक। चलो बात करो, वही खड़े रहेंगे। पूछो हेलो हेलो कौन? हाँ मैं अभी फ़ोन करता हूँ, ज़रा वहाँ पे हूँ थोड़ा हॉस्पिटल में, अभी फ़ोन लगाता हूँ। वो फ़ोन कर दूँ आधार से।